गाइस, इस वीडियो में आपको बताने हैं मॉस्किटो किलर बैट के सर्किट में आप बैटरी के कनेक्शन कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे पता कर सकते हो आप बैटरी कहां पर लगानी है कहां पर नहीं लगानी है। वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ बताने वाला हूं। दो तरीके की सर्किट आपको दिखाऊंगा, दोनों सर्किट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लगा सकते हो ये बैटरी। हम इसमें आपको लगा के दिखाने वाले हैं कि बैटरी के कनेक्शन कैसे पता कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारे पास ये मॉस्किटो बैट की सर्किट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही सर्किट है। और दोस्तों, इससे डिफरेंट सर्किट भी आपको दिखाऊँगा तो उसमें भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये हमारे 220 एसी वोल्टेज से जो चार्ज होती है इसके लिए अलग से लगा होता है इसमें ये नीचे वाला ग्राउंड। तो गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर और ये वाली सर्किट में कितना अंतर है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे नीचे वाली सर्किट है बड़े ट्रांसफार्मर वाली, इसमें दोस्तों ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से ये बैटरी चार्ज नहीं करती है, इसे चार्जर से चार्ज करना पड़ता है और ऊपर वाली में डायरेक्ट बिजली में लगाकर चार्ज हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो बड़ी वाली जो सर्किट है उसमें डायरेक्ट मेन बोर्ड में लगा के चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, दोनों ही सर्किट में आपको बताऊंगा बैटरी के कनेक्शन कहाँ पर करने हैं, कैसे पता करें। गाइस, सबसे पहले तो आप इस सर्किट को देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास इसमें सर्किट है इसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये सर्किट है। और यहाँ पर आपको डायोड मिलते हैं नीचे की साइड, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये डायोड है जो कि हमारा एक तरफ पट्टी वाला है और एक तरफ बिना पट्टी वाला है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो बिना पट्टी वाला हमारी साइड है इसमें दोस्तों आपको माइनस के वायर लगा ले हैं और जो पट्टी वाली साइड है उसमें प्लस के। और ये कैसे पता आप करोगे इसकी प्रिंट कहाँ पर है, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी पट्टी वाली साइड है और एक तरफ बिना पट्टी वाली साइड है, तो बिना पट्टी वाली साइड दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप माइनस का सिंबल भी देख सकते हो, माइनस का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। और दोस्तों, माइनस का सिंबल किसी किसी में नहीं दिया होता है तो आप जो है इसी पर लगा दीजिए जो कि हमारे डायोड की साइड है। तो आपको पता कर लेना है डायोड कहाँ पर लगे हुए हैं। और दोस्तों, जिसमें भी ये डायोड ना हो, हमारे पास जो दूसरी सर्किट है उसमें डायोड नहीं लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें कैसे पता करना है वो भी बताऊँगा। और दोस्तों, ये तो हमने माइनस का बता दिया, और देखिए प्लस का कैसे लगाना है आपको। प्लस का लगाने के लिए आप यहाँ पर देखिए जो हमारे डायोड पीछे की साइड लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का सिंबल भी यहाँ पर बना हुआ है। तो गाइस, प्लस और माइनस का आप सिंबल देख लीजिए, इससे आपको पता पड़ जाएगा, और पता ना पड़े तो आप डायोड को देख लीजिए। दो डायोड पैरेलल में कनेक्ट होंगे, बिना पट्टी वाली साइड दोनों कनेक्ट होंगे तो ये माइनस का है, और पट्टी वाली दोनों साइड कनेक्ट होंगी तो वो प्लस का है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और दोस्तों, प्लस का एक और बताऊँ, प्लस का जो हमारा लगा हुआ होता है वो दोस्तों स्विच के कनेक्ट होता है, तो आप स्विच से अगर स्विच के दूसरी साइड लगाओगे तो डायरेक्ट जो है बैट चालू हो जाएगा आपका, और स्विच की जो है दूसरी पिन पर लगाओगे तो स्विच से कनेक्ट हो जाएगी बैटरी। तो कुछ इस तरीके से था इसमें कनेक्शन, अब आपको दूसरे में भी बताते हैं। तो गाइस, इसका तो आपको मैंने बता दिया, चलिए अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे पता करना है। गाइस देखिए, इसमें कोई डायोड नहीं लगी हुए हैं, तो इसमें आपको कैसे पता करना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा मॉस्फेट लगा हुआ है D882, तो इसकी जो बीच वाली पिन होती है इसको आपको ट्रैक करना है और इस पर प्लस वाला दे देना है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए जो हमारे ट्रांसफार्मर की बीच वाली लैग और जो हमारी बैटरी की पॉजिटिव वाली लैग, सॉरी दोस्तों LED की और जो MOSFET की बीच वाली लैग है, ये तीनों से जो कनेक्ट होके हमारी एक जो है प्रिंट आ रहा है नीचे की साइड में, तो यहाँ पर हमारा बैटरी का प्लस लग जाएगा। और जो माइनस वाला वायर है हमारा बैटरी का, जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा स्विच होता है दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ होता है, मैंने अभी इसमें दूसरा स्विच डाला है। और दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर की फर्स्ट पिन और जो स्विच से कनेक्ट होके आ रही है, तो स्विच के नीचे आपको लगा देना है बैटरी का माइनस वाला। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको मॉस्किटो बैट
ख़राब हो चुका है, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, उसका पावर हाई करना चाहते हो, इस पर वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो।